हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देख रहा हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कैसे वर्किंग होते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं करने वाला हूँ। ओके, बारी बारी से एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। लास्ट क्लास में क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं इनकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा था, किस टाइप के इसके कंस्ट्रक्शन होते हैं। नाउ आज मैं इसके एक एक चीज़ों की चर्चा करूँगा। बेसिक टू एक एक लेवल पर हम जाने की कोशिश करेंगे। पहले पिक्चर से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पहले पढ़ा, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा। रोटर के बार वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आपको वहां पे स्क्वायरल केज में हुआ करता था। सेम रोटर यहां पर भी है। और बात यहां पे करूं तो यहां पर सिंगल फेज में जो वाइंडिंग्स होंगे, यहां जो सिंगल सॉरी यहां जो सिंगल फेज के वाइंडिंग होंगे तो वो सिंगल फेज का रहेगा, है ना। इसको सप्लाई हमेशा एक ही फेज का दिया जाएगा, सिंगल फेज का दिया जाएगा, जबकि थ्री फेज में थ्री फेज का सप्लाई दिया जाता था। ठीक है, नाम ये सिंगल फेज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडक्शन होंगे। इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा, यानी आप जब सप्लाई दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पे करंट इंड्यूस्ड होंगे, तो इस प्रिंसिपल पे काम करेगा ये सर। इस टाइप के मोटर आपने कहाँ देखा, ध्यान से समझिए मेरी बातों को। अगर अब मैं बात करूँ ना, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत कॉमनली यूज आज के डेट में होने वाले मोटर हैं। पहले मैं इमेज से भी हर एक चीज़ को समझाऊंगा। आज के डेट में बहुत कॉमनली यूज होने वाली मोटर जो है वो है हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होते हैं। चाहे आपके घरों के मोटर जो सुबह पानी नीचे से ऊपर ले जाने के लिए होता है, वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अभी हमारे ऊपर जो फैन चल रहा है, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक एग्जाम्पल है। जब इसको ओपन किया जाता है तो देखिएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये स्टैंड फैन भी आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देगा। रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखेगा। वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखेगा। ड्राई क्लीनर के अंदर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगा। सो ऐसे बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। तो सर इतने इतने तरीके, इसके कंस्ट्रक्शन भी देखोगे, ये देखो कैसे कंस्ट्रक्शन है, अभी तो देख रहे थे कंस्ट्रक्शन ऐसा, अभी देख रहे हैं ऐसा। तो अलग अलग पैटर्न के मोटर होते हैं, इसमें कई टाइप्स होते हैं। अगर देखूँ मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, तो अगर टाइप देखें तो बहुत सारा इसके अंदर टाइप्स होते हैं जी, और इसको अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है ना। हालांकि इस टाइप की स्टडी आगे करेंगे, लेकिन एक कहने का मतलब था कि किस तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उन्हीं की चर्चा होगी। ये कैसे काम करता है, क्या होते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, तो सभी की चर्चा मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलिए एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट से चीजों को सीखने की कोशिश पूरी करते हैं। देखिएगा, मैं लैंग्वेज भी लिखा दूंगा, पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। अब समझिएगा, यहां पे होता क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, चीजें अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। होता क्या है, सिंगल फेज में आप क्या करोगे, कभी भी सिंगल फेज जो होगा उसमें आप एक ही वाइंडिंग दोगे, है ना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में एक ही चीज की चर्चा करता हूं, है ना। इसके जैसे कि काम कैसे करता है, वर्किंग क्या होगा, तो एक एक चीज की पहले समझिए, फिर हम बातें बताएंगे। होता क्या है, देखिए सिंगल फेज में पहले बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंगल फेज मतलब एक ही फेज सप्लाई, यहां पे क्या सिंगल फेज सप्लाई, सप्लाई। अब यहां पे देखिए, जब सिंगल फेज की सप्लाई देंगे तो हमेशा यहां पे क्या बनेगा सर, आप ही बताओ। सिंगल फेज की अगर सप्लाई दूं तो ये क्या बनेगा सर, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एक एन पोल का जनरेट करेगा और एक एस पोल का जनरेटर करेगा। मतलब अगर यहाँ पे अल्टरनेटिंग नेचर, चूंकि एसी है, इंडक्शन तो एसी में होगा, तो एक बार एन यहाँ डेवलप करेगा, एक बार एस यहाँ डेवलप करेगा, और फिर दूसरे साइकिल में क्या होगा, चूंकि एसी है, आप देखिएगा बारीकी से चीज़ों को समझना है जी, है ना। चूंकि ये एसी है तो इसका फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे
अगर मैं कहता हूँ वी ऑफ टी है, साइनोसोइडल वेव है ना, ये साइनोसोइडल वेव है, तो कभी पॉजिटिव है तो करंट इधर से गया है ना, और कभी नेगेटिव है तो करंट इधर से गया है ना। एक ही वाइंडिंग अगर हम कहीं रख दे, तो उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, एक बार अगर आप करंट सप्लाई देते हो तो एक बार क्या हुआ, करंट जब इधर सप्लाई दिया तो मान लो उस केस में यहां एन का फॉर्मेशन हुआ और यहां एस का, है ना। लेकिन लेकिन जब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, जब करंट मान लो इधर से जा रहा था, तब फ्लक्स एन पोल और एस पोल तो बनेगा हमेशा, तो तब उस टाइम एन यहां बना, एस बना, लेकिन एस नीचे बना। लेकिन जब करंट का डायरेक्शन ये होगा तो क्या होगा, एन इधर बनने लगेगा और एस किधर होगा, यहां, है ना। अल्टरनेटिंग नेचर का क्या हुआ, हमारा फील्ड हो गया, कैसा, अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहां पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मान लो यहां पे एन है, यहां पे एस है, तो एक कंडीशन में कहता हूं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो मैं कहता हूं यहां पे एक कंडीशन में मान लो फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहा, तो एक ही फ्लक्स अभी एक कंडीशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, जी आपका फ्लक्स मान लो एन से एन एस है, तो फ्लक्स एन टू एस चलेगा, है ना, एन टू एस चला, जी बिल्कुल चला। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जब पोलैरिटी चेंज हुआ, जब एसी का पोलैरिटी चेंज हुआ, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अब सिंगल फेज, चूंकि मैं मशीन पढ़ रहा हूं इंडक्शन मोटर, तो आप बताइए, खाली वाइंडिंग तो देंगे नहीं, घूमने का भी मैकेनिज्म में रखूंगा, मतलब चाहे कोई भी मशीन हो, अगर मोटर हम मैं पढ़ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, तो सर सिंपल अगर आप क्या चाहोगे, यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्या चाहोगे यहाँ पे, कि आप इसको एसी सप्लाई दीजिए, आप इसको एसी सप्लाई दीजिए, और इसमें जो पार्टिकल यानी जो भी शाफ्ट है, ये शाफ्ट और रोटर है, वो क्या करे, घूमे, और वही घूमेगा तो क्या करेगा जी, एक तरीके से जैसे पानी खींचने का काम करेगा, या फिर किसी मैकेनिकल पार्ट को घुमाने का काम करेगा, और यही तो होना चाहिए। जैसे फैन है, ये घूमता है, एक डेना इसका यानी ब्लेड घूमते हैं, तो हवा देने का काम करता है, तो हवा को धकेलता है, तो मैकेनिकल वर्क तो करता है ना कहीं मैकेनिकल वर्क करता है। तो आप सप्लाई दे रहे हो तो किस लिए, रोटेशन के लिए, किसी फिजिकल पार्ट का रोटेशन के लिए, बिल्कुल। तो आप तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, अब मैं कहूं कि एक सिंगल वाइंडिंग में करंट दे दिया तो इसका कोई यूज नहीं है, जी आपको क्या करना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं एक मोटर को घुमाने की जरूरत होगी, एक शाफ्ट को घुमाने की जरूरत होगी, चाहे उसके लिए प्रक्रिया प्रोसेस कुछ भी हो। आइए, तो मैं कहता हूं कि यहां पर इसको घुमाने के लिए मुझे जो है एक पहिए को घुमाना है, उसके लिए चाहे मैं कुछ भी ले लूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं मुझे तो मोटर घुमाना है जी, मुझे तो मोटर घुमाना है, आइए जी, आइए जी, मुझे तो मोटर घुमाना है, मुझे तो मोटर घुमाना है। नो, यहां पर बात करूंगा मैं, यहां पर बात करूंगा मैं, देखिएगा ये सिंगल फेज का मोटर है, ठीक है सर, अब देखिएगा होगा क्या, होगा क्या, ये जो मोटर है ना, आपस में के शॉर्टेड रिंग, केज रोटर आपने देखा ना, जैसे केज रोटर होता है, तो मैं कहता हूं ये आपस में शॉर्ट रिंग है, ये क्या है जी, आपस में शॉर्ट रिंग है, आपस में शॉर्ट रिंग है, केज रोटर है ना, केज रोटर है। तो इसके कारण क्या हुआ, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स अगर किसी सॉर्टेड कंडक्टर को कट करेगा, है ना, सॉर्टेड कैसे है जी सर, सॉर्टेड कैसे है, यहां देखिए ये कंडक्टर में अगर मैं कहता हूं ये शॉर्ट रिंग है ना बना हुआ, अगर इसको कोई फ्लक्स कट करे ऐसे, तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, और चूंकि शॉर्ट रिंग है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा सर, करंट भी उत्पन्न हो जाएगा, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा जी,
करंट भी उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं? तो मैं इसके फ्रंट व्यू को दिखा रहा हूं। अभी आपको क्या दिखा रहा हूं, इसके ये बार कंडक्टर्स और इसका फ्रंट व्यू सॉर्टेड रिंग है, तो उसी को दिखा रहा हूं, ठीक है ना? आइए जी, आइए जी, बिल्कुल। तो अगर यहां पे कट कर रहा है, क्योंकि नेचर अल्टरनेटिंग है, अगर यही होता कि एक ही दिशा में सिर्फ फ्लक्स घूमता तो क्या होता सर, फिर ईएमएफ डेवलप नहीं होता। अब किसी तार को रख दो और डीसी फील्ड को रख दो, एक ही फ्लक्स पे चुंबक को रख दो, तो उस तार में कभी ईएमएफ होगा नहीं। तो आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फिर उसको घुमाने की जरूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मूव करना पड़ेगा। अगर फिक्स एन पोल और एस पोल का चुंबक है तो कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप कराने के लिए आपको रोटेट कराने की जरूरत है। लेकिन ये तो रुका हुआ है, अभी वाइंडिंग कहाँ है, मशीन के अंदर तो रुका हुआ है, आपने सिर्फ सप्लाई दिया। तो अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स ही क्या ऐसा है नेचर का, अल्टरनेटिंग नेचर का। तो ये रोटर के कंडक्टर को क्या करता है जी, ये रोटर के कंडक्टर को कट करता है, ध्यान से समझिएगा, ये रोटर के कंडक्टर को कट करता है। अब ध्यान से समझिएगा, रोटर के कंडक्टर को कट किया, अभी इधर से घूमा तो ये कट किया और इस पर क्या उत्पन्न किया सर, ईएमएफ, कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रिंग है। ये कैसा है जी, शॉर्ट रिंग, हमने मशीन में देखा था क्विज में, शॉर्ट रिंग है, या इसी को एंड रिंग बोलते हैं, एंड रिंग है ना। आइए जी, ये है शॉर्ट रिंग। अब इसमें क्या होगा सर, इससे करंट सर्कुलेशन होना शुरू होगा, और जब करंट सर्कुलेशन होगा आपको पता है ये घूमने की कोशिश करेगा, टॉर्क उत्पन्न होगा इसके अंदर, ये अपना ईएमएफ जीरो करने की कोशिश करेगा, और जिस डायरेक्शन में फ्लक्स घूम रहा उसी में डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। ये क्या करेगा, ऐसा करेगा, एकदम बारीकी से मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा जी। तो ये क्या करेगा, अभी इस करंट को मिनिमाइज करने के लिए, मान लो ये इस डायरेक्शन में अभी ये घूमने की कोशिश कर रहा था, टॉर्क इस पे डेवलप हुआ, सपोज दैट, है ना, अभी जस्ट इधर से कट किया तो ऐसा हुआ। लेकिन तुरंत तुरंत ध्यान रखिएगा, जब मैं पॉजिटिव के लिए ये बात कह रहा हूं, क्या जब इधर से एन चला है तब ये हाल हुआ, तो नेगेटिव डायरेक्शन से भी तो फील्ड चलेगा, क्या करेगा जी, नेगेटिव डायरेक्शन से भी फील्ड चलेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन से अगर फील्ड चलेगा जी, अब देखिए ये किसके कारण, येलो के कारण क्या हुआ जी, ये एन जो है ये वाला फ्लक्स है ना, एक डायरेक्शन मैं कहता हूँ ये फॉरवर्ड फ्लक्स, इसका नाम मैं रख दिया फॉरवर्ड फ्लक्स। तो फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो करंट भी उत्पन्न हुआ, करंट उत्पन्न हुआ तो ये अपने मिनिमाइज करने के कारण ये रोटेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, अभी जस्ट वन ईयर स्टार्ट, ये कोशिश कर रहा है अभी कि होगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर धड़ाम से बहुत कम समय में जी क्या करता है, ये अपना पोलरिटी चेंज करता है ना, क्योंकि करंट इधर से कभी तो कभी इधर से, करंट कभी इधर से तो कभी इधर से, है ना। तो इसने में क्या हुआ, एक बार तो फ्लक्स चला, ये फटाक से एक प्रोसेस हुआ कि अब ये घूमता, तुरंत से एसी अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है। जब एसी अपना पोलैरिटी चेंज करेगा तो अब रह गया कौन, यहाँ आ गया जी एन, और यहाँ क्या आ गया, एस पोल। तो अब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा, तो फ्लक्स का जब डायरेक्शन चेंज होगा जी, फ्लक्स का डायरेक्शन जब चेंज होगा तो इस कंडक्टर को ऐसे कट करेगा, इस कंडक्टर को ये इस तरीके से कट करेगा है ना, इस कंडक्टर को ये मान लो बैकवर्ड मैं फ्लक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, नाम कुछ भी रख दिया मैं, बैकवर्ड फ्लक्स, और ये लूप ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा वाइंडिंग से, है ना। अब समझिए क्या हुआ, हुआ क्या सर, ये हुआ अब कि ये एक ही डायरेक्शन में था, अल्टरनेटिंग नेचर, फटाक से भी कट किया तो ईएमएफ उत्पन्न, एक तरह से ये घूमने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से क्या किया, ये घूमने की कोशिश कर रहा था, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, गैदरिंग ना कर दे, इसको ले आता हूँ इस डायरेक्शन में, नहीं दूंगा, आइए मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये अभी क्या किया, मान लो मैं कहता हूँ ये इस डायरेक्शन में अभी घूमने की कोशिश किया, है ना, इतने में अभी ये पुराने वाला टॉर्क का कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश किया, जब एन पोल एस पोल इधर फ्लक्स इधर इस डायरेक्शन में कट किया,
अपोजिट अल्टा। अब क्या हुआ, आपको ये महसूस करा कभी इधर से कट करा कभी इधर से, तो एक रोटेटिंग फील्ड यानी एक ऐसा फील्ड जो हम अभी रोटेटिंग नहीं करे, पर एक ऐसा अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड जो कभी इधर से कट कर रहा है तो कभी इधर से, तो ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर जब इस तरीके से फ्लक्स कट गया तो अब इसमें फिर भी क्या हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ क्योंकि इधर से भी अब कट किया तो मान इसका क्या होगा, जब इधर से कट किया तो करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा, है ना। जब उधर से किया था तो करंट का डायरेक्शन इधर से था, तो अब इधर से किया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जी। समझने की कोशिश कीजिए, फिर तो नोट एक एक करके करवाऊंगा, नोट करने की अभी चिंता मत करिए, मैं पूरे पीडीएफ वगैरह कैसे चाहे कैसे भी अवेलेबल कराऊंगा, लिखा दूंगा चाहे, लेकिन समझने की कोशिश करिए, नहीं तो कोई नहीं समझाएगा इतने बढ़िया से, हमेशा ध्यान रखना है ना। अब समझिएगा यहाँ पे सर, ये करंट का डायरेक्शन अब क्या हो गया, इधर से, अब इधर से हो गया तो ये अब इसके कारण टॉर्क जो होगा वो उल्टा चलेगा, तो ये टॉर्क जब इधर से खींच रहा है तो अब ये नया वाला टॉर्क बेचारा किधर से खींचेगा, इधर से, क्योंकि करंट इधर से ही आया, तो अब इस करंट को मिनिमाइज करने के लिए ये टॉर्क डेवलप हो गया इस डायरेक्शन, क्या हो गया जी, इस डायरेक्शन। अब चूंकि एक साइकिल के हर साइकिल में मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट का सेम है, तो इसी तरीके से पोल का स्ट्रेंथ भी सेम है, फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम है, तो डेवलप्ड टॉर्क भी क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, डेवलप्ड टॉर्क भी क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। इसीलिए अब देखिए, एक टॉर्क मान लो नीचे की ओर आ रहा है तो दूसरा टॉर्क तुरंत इंस्टेंट लॉट के ऊपर की ओर जा रहा है, तो रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाता है जी, जीरो। रिजल्टेंट टॉर्क क्या होता है, जीरो, और इस कारण ये रोटेट कभी नहीं कर पाता, इसीलिए ये मशीन क्या करता है, कभी रोटेट एक सिंगल फेज के कारण, एक सिंगल फेज और सिंगल वाइंडिंग के कारण एक सिंगल फेज का इंडक्शन रोटर कभी रोटेट नहीं कर पाता है ना। रोटेशन का इसको अभी ये क्या है, फटक से इधर, फटक से इधर, फटक से इधर, फटक से इधर, तो इतना फास्ट होता है, कभी इधर कभी इधर, तो ये कभी घूम ही नहीं पाता, क्योंकि खुद का अपना इनर्सिया भी तो होगा ना, एकदम फ्री तो नहीं है कि पहला टॉर्क जिधर मिल गया उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देंगे, नहीं, कुछ तो इस मोटर का अपना इनर्सिया भी होगा, तो अभी ये घूमने की सोचता ही भी है तब तक लौट के इधर आ जाता है जी, तो एक टॉर्क इधर जाने की कोशिश करता है, दूसरा इधर, तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो जाते हैं इस रोटर पे, है ना, इसीलिए रोटर कभी रोटेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए कुछ खास बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और उसी को पॉइंट में नोट कराऊंगा यहाँ पे बारीकी से। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अ एसी मोटर, ये कैसा है जी, एसी मोटर है, यानी ये सिर्फ एसी पे ही चलेगा, दैट इज इट ऑलवेज रन ऑन एसी, ये हमेशा अगर चलेगा अभी तो किस पे, एसी पे चलेगा। दूसरी बड़ी बात, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर एक ही वाइंडिंग यहां पे रखता हूं, क्या किया, एक ही वाइंडिंग रखा, यहां सिंगल फेज है, एक ही वाइंडिंग रखा तो क्या रोटर घूमा, नहीं। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता। अगर आपने कभी स्टडी किया होगा या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्या होता जी, बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी नोट करके लिखिए, बार एक बार किस एक एक चीज को लिखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट, इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर,
यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसको तो क्या कोई धकेलता है? नहीं, इसमें कुछ अलग व्यवस्था की जाती है। आइए जी, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है जी? एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है, तो ये भी बात ध्यान रखने की है। एकदम रुकिए, एकदम एक एक चीज को बताएंगे। केज रोटर में हुआ, सारा चीज चल रहा था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंगल फेज और सिंगल वाइंडिंग देने के कारण इस रोटर के रोटर पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम टॉर्क मिलता है, इसीलिए रोटर क्या होता है, अपने इनर्शिया कारण किसी एक डायरेक्शन में नहीं रोटेट कर पाता, वो अस्थिर रह जाता है। चलिए ये भी बात हो गई। अब दूसरी बात, अब ये देखिए, ये इनर ये अस्थिर रहता है और फिर लगातार कट कर रहा है, ईएमएफ भी उत्पन्न हो रहा है बेचारा। इसको अगर थोड़ा सा सपोर्ट कोई कर दे, इस मशीन को थोड़ा सा अगर किसी एक डायरेक्शन में, आप चाहे तो इधर या फिर इधर, बस हाथ से धकेल दो, तो ये अपने आप चलने लगेगा। ये क्या करेगा जी? अपने आप चलने लगेगा। कई बार आप देखोगे, देखते होंगे कि आपके घरों के पंखे के कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है, सारा लॉजिक मैं बताऊंगा, तो पंखा रुका रहेगा, डग 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 करता रहेगा, है ना? बस एक बार आप एंगल दे दो, एक बार आप उसको घुमा दो, तो वो घूमने लगता है ना? तो वही चीजें होती है, कहीं ना कहीं वहां पे उसका कैपेसिटर प्रॉपर काम नहीं करता, तो जो टॉर्क स्टार्टिंग उसको देना चाहिए था वो नहीं दे पाता, तो आपको अलग से देना पड़ता है, तो वो चलने लगता है। फिर आप चाहे तो कैपेसिटर चेंज कर लीजिए। तो क्यों कैपेसिटर लगता है, ये सब बात के तो आगे आएगा, प्रॉपर हम वर्किंग बताएंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन में और क्या क्या बात रही, तो ध्यान से आइए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, और क्योंकि सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज के सप्लाई देने पे क्या होता है जी, अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यहां पे लिखिए, व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई सिंगल फेज एसी इन सिंगल फेज इन सिंगल वाइंडिंग, इन सिंगल वाइंडिंग देन इट प्रोड्यूस फ्लक्स और फील्ड इन अल्टरनेटिंग नेचर, अल्टरनेटिंग नेचर। ओके, किस नेचर में जी? अल्टरनेटिंग। ये समझ रहे हो क्या? बहुत बच्चा नहीं समझ रहा होगा, समझिएगा जी। अगर मैं कहता हूं इस वाइंडिंग में अगर आप डीसी सप्लाई दोगे, तो डीसी सप्लाई दोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा फिक्स रहेगा, तो यहाँ पोल हमेशा फिक्स हो जाता है। डीसी करंट देने से डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ हमेशा एन पोल और यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, एस पोल। लेकिन इसी में मैं एसी सप्लाई दे दूं, तो एसी सप्लाई दे दूं तो सर क्या होगा, कभी करंट इधर से तो कभी इधर से, तो पोल भी चेंज करता है, इसलिए बोलते हैं अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड। क्या बोलते हैं जी? अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड। ओके, सो व्हेन वी अप्लाई ए सिंगल फेज एसी इन सिंगल वाइंडिंग देन इट प्रोड्यूस फ्लक्स इन अल्टरनेटिंग नेचर। ड्यू टू दिस इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस इक्वल और ड्यू टू दिस दिस फ्लक्स कट रोटर कंडक्टर ऑल्सो इन ऑल्सो इन ड्यू टू दिस इसी कारण क्या होता है, दिस फ्लक्स कट रोटर कंडक्टर ऑल्सो इन
फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स, या रिवर्स या बैकवर्ड, जो भी वर्ड यूज कर सकते हो, बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड से कट करता है, अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण दोनों साइड से कट करता है, हैंस नेंस इट प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन रोटर, हेंस इट्स, इसीलिए हेंस इट्स, थोड़ा छोटा कर दूँ इसको, थोड़ा लिख लो इसको अच्छे से, फिर हो जाएगा तब, वेट अ सेकेंड, थोड़ा छोटा कर दिया, आई जी, हेंस हेंस इट्स रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो, इसका इसीलिए क्या होता है जी, रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जी, रिजल्टेंट टॉर्क क्या होता है, बिकम्स जीरो, जीरो हो जाता है, हेंस दस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट, दस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट, इसीलिए मोटर क्या करता है जी, खुद से नहीं चल पाता, इसीलिए ये अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है बार बार, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्ट और नॉट, नॉट सेल्फ स्टार्ट, और थ्री फेज सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कट करता है लगातार, या आगे आगे चल रहा था फील्ड और पीछे रोटर घूमता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, ये स्टेटिक अल्टरनेटिंग फील्ड हो गया, कभी यहाँ एन पोल, कभी यहाँ एस पोल, कभी यहाँ एन एस, एन एस, एन एस, एन एस चलते रहता है, घूमता नहीं है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है सिंगल वाइंडिंग के कारण, तो क्या हो गया, सिंगल वाइंडिंग के कारण क्या बना जी, अल्टरनेटिंग नेचर का बस फील्ड रह जाता है, क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड रह जाता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है जी, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा इसका कुछ वर्ड कि किस तरीके से ये काम कर रहा है जी, और इसको सेल्फ स्टार्ट ये मशीन नहीं हो पाता, तो कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, इसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, तो इसीलिए आप देखोगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चाहे जहां भी हो, इसमें दो वाइंडिंग आपको दिखाई देंगे, क्या दिखाएंगे देंगे, हमेशा दो वाइंडिंग, तो इसको चूंकि आपको पता है ये मशीन घूम जाएगा, या तो आप हाथ से घुमाइए, तो हाथ से घुमाना कोई तो एक सही चीज तो नहीं है कि हमेशा पंखा का लाइन दे दिए फिर जाके वहां हाथ से घुमाए, ऐसा तो संभव नहीं है जी, तो खुद से इसको करना पड़ेगा, हालांकि फिर भी वाइंडिंग दो देते हैं तब भी ये चलता तो खुद ही है, लेकिन तब, लेकिन एक वाइंडिंग का नहीं चला इसीलिए इसको सेल्फ स्टार्ट नहीं बोलते जी, ध्यान रखना, ये हालांकि वाइंडिंग दो देंगे, स्विच एक ही बार ऑन करेंगे तब भी घूमेगा तो अपने से, कोई और घुमाने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि एक वाइंडिंग के कारण नहीं घुमा, दो वाइंडिंग दे दिए तब ये घुमा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट, और दो वाइंडिंग के साथ साथ आगे दोनों में फेज एंगल बनाने के लिए, जिसको आगे स्टडी में करूंगा, फेज एंगल बनाने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भाई एक्जुलरी सिस्टम यानी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी तभी ये घूमा, इसीलिए बोलते हैं यह एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर। तो मेरी उम्मीद से कि ये जानकारी आपको चला, अभी एक बात चला कि ये इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है जी, सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। नाउ कैसे सेल्फ स्टार्ट इसको हम बनाते हैं, कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, इसका प्रॉपर वर्किंग क्या होता है, ओके, और कैसे, ध्यान से समझिएगा, और कैसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वर्ल्ड आते हैं, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करते रहेंगे। वीडियो का लेंथ बड़ा तो नहीं हो गया ना,
नहीं, चलिए अभी चल जाएगा, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि अभी ये चलेगा और इसको हम अच्छे से करेंगे जी। अब देखिए, आपको एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूँ, एक चीज और यहाँ ऐड कर दूँ। आइए जी, एकदम चीजों को समझना है जी। जिसका वेव ऐसा होगा वोल्टेज का, जिसका वेव ऐसा होगा वोल्टेज का, और मान लो कि करंट का भी ऐसा ही कुछ वेव चले, है ना, मैं कहता हूँ कि करंट का भी मान लो ऐसा ही वेव चले, तो उसका फ्लक्स का भी वेव कैसा रहता है? अल्टरनेटिंग नेचर का ही। तो फ्लक्स का जो वेव बनेगा जी, वो भी किस नेचर का होगा? अल्टरनेटिंग नेचर का। ये भी ध्यान रखना जी, फ्लक्स का नेचर कैसा बनेगा जी? अल्टरनेटिंग नेचर का, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स भी अल्टरनेट करता है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। देखिए, करंट भी कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो यानी कभी इधर से तो कभी इधर से लौट के आया, तो फ्लक्स भी कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। तो इस तरीके से ये सारा चीज चलता है, रिजल्टेंट टॉर्क हो जाता है जीरो। अब समझिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है, थोड़ी मैं लैंग्वेज में यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी मुझे लगता है दूसरे वीडियो में हम आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक फील्ड इधर जा रहा है, एक फील्ड इधर आ रहा है, एक फील्ड इधर आ रहा है, एक फील्ड इधर आ रहा है, तो दो बार रिवॉल्व कर रहे हैं ना, एक मशीन के अंदर फील्ड दो बार रिवॉल्व करते हैं, तो डबल रिवॉल्विंग की बात होती है। यहीं पे हम एडिशनल वाइंडिंग लेंगे, अब ध्यान से उसी में हम कहेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, पहली बात। अब मैं एक एक चीज को प्रोसेस से लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये मशीन तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ, हाउ टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट हमारे लिए जो पॉइंट है ना। अब इसमें बहुत सारे वर्ड और भी चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे आप जोड़ सकते हो ना। अब जैसे कि सिंगल फेज, हमने फेज दिया इसको, एक सेकेंड और मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे चीज लिखने की है जी, बहुत सारा चीज लिखने की है। जैसे इस कर्व को मैं क्या बोलूँगा जी, इस कर्व को अगर ये करेंट का कर्व बोलूँ तो क्या लिखूंगा? Im sin ओमेगा टी, क्या लिखूंगा? Im sin ओमेगा टी। तो फ्लक्स वाले कर्व को क्या लिखूंगा जी? Φm sin ओमेगा टी। फ्लक्स वाला कर्व को क्या लिखूंगा? Φm sin ओमेगा टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ करंट का अगर कर्व की बात करूँ तो करंट के प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स, तो करंट का Im sin ओमेगा टी, तो फ्लक्स उसका Φm sin ओमेगा टी। फ्लक्स भी क्या होता है आपका? Φm sin ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाउ टू मेक कैसे बनाया जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट। तो कैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए, तो हम इस लेक्चर को अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत होती है तब हम बनाते हैं, तो हम उसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। आप लोग यहाँ पे चाहे तो एक लेक्चर एक पॉइंट और लिख लेना, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट इसी में अगर यहाँ पर अगर कुछ चीज़ और लिखना चाहते हो, नाउ बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी मेक इट सेल्फ स्टार्ट मोटर बाय यूजिंग एक्जुलरी वाइंडिंग, हम इसको क्या करते हैं जी? सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाएंगे। लेकिन हमने एक्जुलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया तब, मेन वाइंडिंग कौन कहलाता है? ये वाला सर कहलाता है मेन वाइंडिंग, ये जिसके कारण मेन तो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ वाइंडिंग एक्चुअली यहां अगर मैं दे दूं तब ये एक डायरेक्शन में प्रॉपर रोटेट करने लगता है, वो क्यों करता है, उस सब चीज की चर्चा होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बाय
तो अगर आपको ने क्या हमने क्या बोला कि एक्जुलरी वाइंडिंग के सहायता से अगर हम एक और वाइंडिंग यहाँ यूज करें तो ये सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। तो अब ये नहीं कि सर सेल्फ स्टार्ट हाँ हो गया इंडक्शन मोटर, नहीं, अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्ट मोटर और नॉट, तो नॉट, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, एक वाइंडिंग से चूंकि नहीं चलता इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं बोलते। हम कुछ विधि का उपयोग करते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसा यूज करते हैं तब ये सेल्फ स्टार्ट बन जाता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं बोलते। ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोसेस से हो तो रहा है जी, थ्री फेज में आप तीन फेज दे रहे हो तब तो चल रहा है ना, तो ऐसा ही आप यहाँ एक ही दो अलग अलग वाइंडिंग कर रहे हो, सप्लाई एक ही दे रहे हो तब भी तो घूमता है, अपने से कोई घुमाने तो नहीं आता, लेकिन नहीं बोलते, फिर भी बोलते कि एक वाइंडिंग से नहीं वास्ते सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं। अब जिसने जो थ्योरी दे दिया जी उसी की बात चलती है। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर को आपने समझा, आगे हम देखेंगे कि कैसे ये चलेगा, किस प्रोसेस से चलेगा, और उस प्रोसेस को यानी इसको स्टार्ट करने की और कौन कौन से मेथड है, यानी दो वाइंडिंग मेथड है या और भी कई तरीके हैं, इसीलिए यहाँ स्टार्टिंग मेथड आ जाते हैं और इसके टाइप आ जाते हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।